असलम टुडेज़ लेक्चर नंबर फोर्टी वन और सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पिछली दफ़ा हमने कुछ बात की थी अबाउट ऑब्जेक्ट्स बिंग यूज एज डेटा मेम्बर्स विद इन क्लासेज वेरी कॉमन यूज एंड फाइंड डेट इट हैज़ अ लॉर ऑफ़ एंड कोड री यूज़ जो है उसका एक अच्छा तरीका है यानी कम्प्लीटली डिबग्ड कोड तैयार करके रख लिया और फिर उसको इस्तेमाल किया एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डिवेलपिंग न्यू एंड मोर कॉम्प्लेक्स क्लासेस आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो भी एक कोड री यूज़ का ही तरीका है बट इट हैज़ टू डू विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ़ री यूज इट इज़ कॉल्ड टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स जो हैं वो सी प्लस प्लस में दो डिफरेंट वराइटीज़ में आती हैं एक वरायटी जो है वह है फंक्शन टेम्पलेट्स और दूसरा जो है वो है क्लास टेम्पलेट्स आज के लेक्चर में हम फंक्शन टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे Now, what इज़ अ टेम्पलेट वी हैव टू थिंक अबाउट इट को पता है टेम्पलेट क्या होती है आई एम श्योर आपने बचपन में बहुत सारी टेम्पलेट्स इस्तेमाल की हैं कुछ बनाई भी होंगी कुछ खरीदी भी होंगी देखिए हमारे पास छोटे छोटे फुटे मिलते हैं बच्चों के लिए जिसके अंदर वेरियस शेप्स कटी होती हैं कोई ट्राइंगल कटा हुआ है कोई स्क्वेयर कटा हुआ है कोई सर्कल कटा हुआ है और उसको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि जी शेप्स बनानी हो अगर कागज़ पर तो हम रख के बीच में पेंसिल फेरी और वो शेप बन गई इनको नॉर्मली हम स्टेंसिल्स कहते हैं बट इन अ वे इट इज़ ऑल्सो अ टेम्पलेट दूसरा तरीका यह है सोचने का कि जी टेम्पलेट जो है एक खाका है कोई चीज़ तैयार करने का मैंने अगर एक स्पेशल डिज़ाइन बनाना है किसी चीज़ का लेट्स से मैंने एक फ़र्नीचर का डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए पहले मैं एक टैम्पलेट तैयार करता हूँ जो कि एक्चुअल पीस ऑफ फर्नीचर नहीं होता उसके लिए दिखाता हूँ कि जी इसकी ये शक्ल बनेगी उसकी पूरी आउटलाइन वगैरह तैयार करके फिर उसको रख के मैं चीज़ें काट लेता हूँ दैट इट इज़ अगेन अ टेम्पलेट नाइस थिंग इफ़ यू थिंक अबाउट दिस कि जी अगर मैंने एक शेप लेट्स एक, एक ट्राइंगल उसके लिए एक टेम्पलेट बना ली है तो अब मैं क्या चीज़ उससे काटता हूँ हैज़ नथिंग टू डू विद कि जी मेरी टेम्पलेट जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है आई कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ ट्राइंगुलर टेम्पलेट एंड देन ड्राॅइंग इट ऑन अ पीस ऑफ वुड एंड कटिंग वुड इंटू अ ट्राइंगल आई कैन ऑल्सो ड्रॉ यूज़ द सेम टेम्पलेट पुट इट ऑन अ पीस ऑफ मेटल एक शीट के ऊपर रख के मैं मेटल का एक ट्राइंगल काट लूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ सो इन अ वे दैट टेम्पलेट इज अलाउंग मी री यूज ऑफ अ सर्टन शेप दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड डवेलप ओवर हेयर वेन वी टॉक अबाउट टेम्पलेट फंक्शंस पहले थोड़ा सा हम उसको जस्टिफाई करने की तरफ चलते हैं कि जी उसका फायदा क्या हो सकता है देखें एक फंक्शन फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल करते हैं बार बार वो है सॉप का फंक्शन जी दो चीज़ें हैं उनको आपस में हमने इंटरचेंज करना है और आपको टेक्निक तो अब तक याद होगी कि हम यूजली एक तीसरा प्लेस होल्डर इस्तेमाल करते हैं जैसे इंट आई और जे को हम स्वाप करना चाहते हैं तो हम कोई इंट टेम्प डिक्लेयर कर लेते हैं फिर हम कहते हैं टेम्प इज़ इक्वल टू आई आई इज़ इक्वल टू जे जे इज़ इक्वल टू टेम्प अ वेरी जेनेरिक वे ऑफ इंटरचेंजिंग टू वैल्यूज़ द प्रॉब्लम इज़ कि जी मैंने इंटीजर्स को अगर स्वाप करना है तो मैंने इंटीजर स्वाप फंक्शन लिख दिया फिर अगर मैंने डबल्स को स्वॉप करना है तो मैंने डबल्स के लिए एक फ़ंक्शन लिख दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ एवरी टाइम आई नीड टू यूज़ अ स्वॉपिंग टेक्निक उसके लिए मुझे अलहदा से फंक्शन लिखना पड़ता है क्या हम लिख सकते हैं ऐसे फंक्शन द आंसर इज़ यस उसके लिए जो रूल अप्लाई करता था वो था फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग आपको याद होगा यू कैन हैव अ फंक्शन विद द सेम नेम एज लॉन्ग एज द टाइप्स or the number of the arguments are different. If it is different, the compiler can detect which function to use and appropriately call it. So you could define swap for integers. You could define swap for floats. You could define swap for doubles or chars even. And you make multiple copies bana lete copies, nahin, multiple versions bana lete hai, which are using different data types. And then, depending on what is required,

वो जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक लकड़ी के ट्रायंगल का या एक गत्ते का हमने ट्रायंगल काट लिया अब हम एक जेनेरिक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे कौन सी वाली डेटा टाइप के ऊपर इसने एक्ट करना है वो जब डिफाइन हो जाएगा तो फिर जहाँ पर वो इस्तेमाल होगा वो ऑटोमेटिकली उस तरह का फंक्शन कॉल कर लेगा नाउ द इशू इज़ कि जी एक जो मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल दिया है उसके अंदर द ऑटोमेटिक पार्ट इज़ देयर बट वी रोट ऑल ऑफ दो फंक्शन सेपरेटली हेयर द ऑटोमेटिक पार्ट इज इवन मोर डीपर इट इज डीपर इन अदर वर्ड वी राइट वन टेम्पलेट फंक्शन विदाउट स्पेसिफाइंग डेटा टाइप फिर वो अगर इंट के लिए कॉल होना है तो कंपाइलर खुद उस फंक्शन का इंट वर्जन लिख देगा आपके लिए अगर वो डबल के लिए कॉल होना है तो कंपाइलर खुद डबल का एक वर्जन लिख देगा दिस डज नॉट हैपन एट रन टाइम दिस हैपन्स दट कम्पाइल टाइम सो योर प्रोग्राम कम्पाइलर जो है वो खुद ही उसको एनालाइज़ करेगा कि ये फंक्शन जो टेम्पलेट वाला फंक्शन है ये किस डेटा टाइप के लिए कॉल हो रहा है प्रोग्राम के अंदर उसके मुताबिक वो समझ ली एक छापे की तरह टेम्पलेट उठाएगा और एक इंट का छापा लगा लेगा अब इसकी टेक्निक क्या है वो अब हम जरा डिटेल में देखते हैं द आइडिया और द टेक्निक फॉर डिफाइनिंग टेम्पलेट फंक्शनस उसके अंदर थोड़े से कीवर्ड्स आते हैं पहला कीवर्ड वर्ड इज़ टेम्पलेट ये जो चीज़ है ये एक्चुअली काफ़ी रीसेंट एडिशन हैं इन टू द लैंग्वेज सो सम ऑफ द ओल्ड कंपाइलर्स सारे फ़ीचर्स इम्प्लीमेंट नहीं करते बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ऑल ऑफ़ द मॉडर्न डे कंपाइलर्स इम्प्लीमेंट दीज फीचर्स कीवर्ड एक हमारे पास टेम्पलेट इस्तेमाल होगा उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स इस्तेमाल होंगे अब एंगल ब्रैकेट्स उसको नाम दे रहा हूँ मैं जो आपके ग्रेटर देन और लेस देन साइन है और फिर एक कीवर्ड है क्लास वो हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये वो वाली क्लास नहीं है जो आज तक हम क्लासेस डिफाइन करते आए इट्स अ डिफरेंट यूज ऑफ द सेम कीवर्ड नॉर्मली व्हेन वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन अ जेनेरिक फंक्शन व्हिच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा टाइप एंड द डेटा टाइप विल बी डिफाइंड लेटर इन द प्रोग्राम कि कौन से के लिए बनाना है हम पहली लाइन लिखते हैं टेम्पलेट और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम कहते हैं कोई लिस्ट आ जाती है ऑफ जेनेरिक डेटा टाइप्स जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं जेनेरिक की तो उसको लिखा जाता है क्लास और फिर कोई नाम वेरिएबल का नाम सो वी राइट टेम्पलेट एंड विद इन एंगल ब्रैकेट्स वी राइट क्लास लेट्स से टी नाउ आई एम सेइंग टी बिकॉज ये आपको किताबों में बार बार जगह पे टी ही नजर आएगा इट्स अ यूजुअल यूजेज बट इस पर लिमिट नहीं है आपका जो दिल करे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली टी स्टैंड फॉर टेम्पलेट सो दैट इज वॉट हाउ इट हैज इवॉल्व कि हर जगह पर आपको टेम्पलेट क्लास टी नजर आ रहा होगा ये तो पहली लाइन है उसके बाद जो फंक्शन की डेक्लेशन है विच इज़ नॉर्मली द प्रोटोटाइप लाइन बट इन दिस केस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन उसके अंदर कम अज़ कम एक जेनेरिक पैरामीटर होना चाहिए यानी उसकी आर्गोमेंट लिस्ट में नॉर्मल फंक्शन की डक्लेशन अगर आप देखें वो है रिटर्न टाइप फिर फंक्शन का नाम फिर उसकी आर्गमेंट लिस्ट तो रिटर्न टाइप बजाते ख़ुद जो है वो भी ये जेनेरिक टाइप हो सकती है उसके बाद उसकी आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर कम अज़ कम एक चीज़ जो है वो जेनेरिक होनी चाहिए लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जो मैंने आपको स्वॉप का दिया था उससे जरा से आसान से शुरू करते हैं हम बात करते हैं एक फंक्शन कॉल्ड रिवर्स रिवर्स जो है वो क्या करेगा कि जी जो भी हमने उसको पास किए चीज़ जैसे इंट किया है या डबल किया है उसको वो माइनस वर्जन उसका वापस कर देगा सो so नॉर्मली हम लिखेंगे उसको इंट रिवर्स एक्स या इंट रिवर्स इंट एक्स एक्स बी जो है वो इंटीजर पास हो रहा है और विद इन द बॉडी ऑफ द रिवर्स फंक्शन वी से रिटर्न माइनस एक्स सिंपल इसी तरीके से हमने एक डबल इस्तेमाल कर लिया सो वी से डबल रिवर्स डबल एक्स रिटर्न माइनस एक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ यू कैन डिफाइन इट फॉर अ फ्लोट इस चीज़ को जब हम टेम्पलेट में लेके जाते हैं तो उसको हम लिखेंगे टेम्पलेट क्लास टी कैपिटल टी नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा होता है यू कैन यूज़ ए बी सी वट एवर यू वॉन्ट और फिर फंक्शन जो डिफ़ाइन होगा उसमें रिटर्न टाइप की जगह पे इंट या डबल या फ्लोट लिखने की बजाय हम टी लिखेंगे ऊपर हमारी जेनेरिक डेटा टाइप आ गई अब लिखें टी फिर रिवर्स और फिर उसके जो आर्गमेंट लिस्ट है उसमें डेटा टाइप इज नाउ टी टी और आगे एक्स और उसके अंदर हम लिख देते हैं रिटर्न माइनस एक्स फॉर द मोमेंट हम इसी से काम करते हैं कि ये इंट डबल्स और फ्लोट के साथ हम काम कर रहे होंगे इतना सा हमने फंक्शन लिखा जिसमें हमने इंट डबल फ्लोट का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया ऊपर हमने कहा टेम्पलेट क्लास टी टी रिवर्स टी एक्स रिटर्न माइनस एक्स और फंक्शन ख़त्म कर दिया मेन प्रोग्राम में जाके हम अगर लिखते हैं इंट आई और आगे जाके कहते हैं रिवर्स आई वॉट इज़ द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि i क्योंकि इंट है और रिवर्स जो है वो टेम्पलेट फंक्शन है तो इस फंक्शन का इंटीजर वर्जन इस प्रोग्राम को चाहिए होगा सो वॉट इट डज इज इट द डूजलेट टू जनरेट एन इंटीजर वर्जन हाउ डज इट डू दैट जहां जहां वो कैपिटल टी आ रहा है वहां वहां इंट लिखा जाएगा सो यू विल गेट एग्जैक्टली जो पहले हमने फंक्शन आपको दिखाया कि रिवर्स किस int int आपको मिल जाएगा ये एक कॉपी बन जाती है एट कंपाइल टाइम और फिर कंपाइल होकर इसका सारा कोड जो है आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाता है एंड अ नॉर्मल कॉल विल हैपन नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग जब हमने मेन प्रोग्राम के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर रिवर्स आई लिखा वहाँ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये इंट का वर्जन हमें कॉल करना है द विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप एंड क्रिएट अ copy ऑफ द फंक्शन ऑफ द appropriate डेटा टाइप दिस इज़ important टू अंडरस्टैंड क्योंकि अभी के आगे हम देखेंगे यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फोर्स भी कर सकते हैं इसी तरीके से बेशक उसी प्रोग्राम के अंदर आप कह देते हैं डबल वाई और अगर आप लिखेंगे रिवर्स वाई द कंपाइलर विल अगेन डिटेक्ट कि यही प्रोग्राम जो है रिवर्स आई भी कर रहा है और रिवर्स वाई भी कर रहा है और आई जो है वो इंट है और वाई जो है वो डबल है सो so, वो एक वर्जन ऑफ द टेम्पलेट फंक्शन इंट के लिए जनरेट करेगा और एक वर्जन ऑफ द टेम्पलेट फंक्शन डबल के लिए जनरेट करेगा सो so, कोड ही डबल हो गया फिर उसको कंपाइल कर दिया जाएगा और आपका प्रोग्राम ठीक तरह चलेगा सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट दिस इज़ द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ कोड री क्यों कि जो टेम्पलेट फंक्शन है उसके लिखने पर आपने जोर लगाना है कि जी वो ठीक तरह लिखा जाए वो जेनेरिक हो इन नेचर एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट टू एवरी प्रॉब्लम दर डीज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल बट आई ऑलरेडी गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ सॉप सॉप बार बार हमें करना पड़ता है और रिवर्स को लेके भी अभी हम आगे चलेंगे इसका देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है सो so, जब भी आपके पास सॉप या रिवर्स या इस किस्म का काम आए जहाँ पे भी आपको लगे कि जना ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ It is exactly like or extremely similar to a code that I've already written. And you try to look at the two pieces of code and you find out double hai. And the standard example is going back function overloading. Function overloading can the matlab we had that facility, but now we're extending the facility and saying don't write it for ints and doubles and floats separately. Just write one template. एंड दैट इज़ द अल्टीमेट कोड री यूज कि जी वो आपके लिए खुद ही कंपाइलर जनरेट कर देगा देखें हमारे पास मैक्रोज की फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद थी शार्प डिफाइन भी है हमारे पास लेकिन उनकी अपनी अपनी लिमिटेशनस थी मैक्रो वॉज़ अ कोड सब्सटीट्यूशन ओके शार्प डिफाइन वॉज अ वैल्यू सब्सटिट्यूशन यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी कोड एक जेनेरिक तरीके से लिख लिया और उसकी कॉपीज ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइप विल बी जनरेटेड बाय द कंपाइलर सो दिस इज नाइस दिस इज़ मच बेटर देन ऑर्डिनरी फंक्शन ओवरलोडिंग टेक आर रिवर्स एग्जांपल, हम रिवर्स का फंक्शन लिख के जैसे ही हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर कोई भी डबल दे देते हैं सो so, डबल का एक वर्जन ऑफ़ द रिवर्स फंक्शन विल बी क्रिएटेड एंड कंपाइल्ड एंड यूज यही टेम्पलेट आप कहीं और किसी प्रोग्राम में डाल दें और वहाँ पे उसको इंटीजर के लिए कॉल कर लें इट विल स्टिल वर्क इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट यू डेंट राइट एक्स्ट्रा कोड ये बार बार मैं रिपीट इस वास्ते कर रहा हूँ ताकि इस टेक्निक की यूजफुलनेस आपको समझ आ जाए एंड देरफोर यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट्स वेन एवर यू राइट कोड और तरीका उसका यही है थिंकिंग का कि जी पहली दफ़ा तो डोंट इवन थिंक टेम्पलेट आप अपने फंक्शंस लिखें अपना काम करें दो महीने के बाद जब आप आएंगे एक नया प्रॉब्लम कर रहे होंगे और उसमें आप कोड लिखते लिखते कहेंगे ठहर जाओ ये तो वही चीज़ है जो कि मैंने पहले लिखी थी सो यू लुक एट इट एंड यू फाइंड कि जी ओके द एक्शन आई एम परफॉर्मिंग इज द सेम एक्सेप्ट द डेटा टाइप इज डिफरेंट इफ दैट इज़ द केस इमीजिएटली पहले फंक्शन को पकड़ें और उसको टेम्पलेटाइज कर दें रूल्स कम अज़ कम एक आर्गमेंट जो है वो जेनेरिक डेटा टाइप का होना चाहिए फंक्शन के अंदर अदरवाइज इट्स नॉट अ टेम्पलेट फंक्शन हाँ एक से ज़्यादा जेनेरिक टाइप्स भी हो सकती हैं फंक्शंस के उनको हम अभी थोड़ी देर में कवर करते हैं बट फॉर द मोमेंट यू राइट अ टेम्पलेट क्लास टी यू यूज टी एज द न्यू डेटा टाइप एंड इट डजेंट रियली एग्जिस्ट इट्स जस्ट अ टेम्पलेट डेटा टाइप जब इस्तेमाल की बारी आएगी तो उस टी को सब्सिट्यूट कंपाइलर करेगा एंड इट विल जनरेट द अप्रोप्रिएट कोड थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं वो आपको ख्याल रखना चाहिए यहाँ पे आप फंक्शन की या टेम्पलेट फंक्शन की डेक्लेशन और डेफिनेशन को अलीहदा फ़ाइलों में नहीं रख सकते देखें क्लास के सिलसिले में हम अलीहदा रखते थे फॉर अ सर्टन पर्पज़ इन द केस ऑफ अ क्लास हम उसकी जो डेक्लेशन है विच मीन्स क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर वो हम हेडर फाइल में डाल देते हैं और वो हेडर फाइल में डालते हैं ताकि यूजर्स ऑफ द क्लास मे बी अदर पीपल उनको पता चल जाएगी क्या क्लास जो है वो क्या कुछ इम्प्लीमेंट करती है और फिर उसकी जो डेफिनेशन है उसके फंक्शंस के एक्चुअल कोड एंड द मैनिपुलेशन वो अलहदा फ़ाइल में कंपाइल करके एज ऑब्जेक्ट फाइल्स और एज ऑब्जेक्ट कोड हम साथ सप्लाई करते हैं यहाँ पे क्योंकि कंपाइलर ने पहले उसकी सोर्स कोड की कॉपी बनानी है और फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में लेके जाना है ये लग्जरी हमारे पास नहीं है वी कैनोट गिव द टेम्पलेट फंक्शन की डेक्लेशन इन वन फाइल एंड द डेफिनेशन इन अनदर एंड ट्राई टू कम्पाइल द डेफिनेशन बिफोर हैंड it will not compile because it is not having a real data type in there it still has a parameterized ya generic data type in it so normally template functions ki declaration or definition in file mein hoti hai aur phir wo file jo have include kare main program ke sath rakhein jab uska aega, automatically copies of that code will be generated so it's a slight limitation but not much of a limitation in any case template class ya template functions they are meant for your own use. You don't normally write template functions as libraries for other people because that's like giving your source code away, and people don't want to do that. Okay, we've already said that the template function at least one generic data type you have uska argument hona but we can actually have more than one arguments. So, if we think in terms of the swap function, for example, we normally pass it references to two pieces of data. बट on, on नहीं, नहीं, दो पीसिस ऑफ डेटा हमने उसको पास करने हैं तो वी कुड राइट दंक्शन बाय सेट क्लास टी रिटर्न बेशक कुछ ना करे सो इट कूड बी अवॉइड रिटर्न बट विद इन द स्व आर्गूमेंट लिस्ट वी वु टी एक्स कॉमा टी वाई एंड देन डू अ स्व स्वॉप के अंदर जाए कैसे लिखेंगे वी वु से टी टेम्प इंटरेस्टिंग कि जी अंदर भी हमने एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर इस्तेमाल करके एक अपना डेटा वेरिएबल क्रिएट किया टी टेम्प इसकी टाइप क्या है चलते वक्त डिटर्मिन होगी या कंपाइल के वक्त डिटर्मिन होगी और फिर वही बात टेम्प इक्वल्स एक्स एक्स इक्वल्स वाई वाई इक्वल्स टेम्प रिटर्न सॉप फंक्शन टेम्पलेट फॉर्म में लिखा गया फ़र्क क्या है अब इस टेम्पलेट के अंदर दो आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं और दोनों जो हैं वो जेनेरिक डेटा टाइप्स के हैं ये भी लिमिट नहीं है यू कुड एक्चुअली मिक्स नेटिव डेटा टाइप्स एंड जेनेरिक डेटा टाइप्स एंड रिमेंबर वेन वी से नेटिव डेटा टाइप्स वी ऑल्सो हैव आर ओन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स विच मीनस क्लासेस लेकिन फिर वो ऑर्डर ऑफ डेक्लेशन एंड डेफिनेशन की बात आती है बट इस्तेमाल किया जा सकता है अब इस स्वॉप को आप इस्तेमाल करने लगे तो इट इज़ इंटरेस्टिंग यू कैन नाउ यूज़ दिस टेम्पलेट वर्जन ऑफ द स्वाप फंक्शन यूज इट फॉर इंटीजर्स

तो फिर एक कैरेक्टर वर्जन की कॉपी बन जाएगी कॉपी के अंदर यू कैन एक्चुअली डू अ सिंपल सब्सटीट्यूशन आप चार उठाएं और जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां चार लिख दें और जो ऊपर वाली लाइन थी टेम्पलेट लास्टी उसको मिटा दें दैट इज द फंक्शन दैट द कंपाइलर विल जनरेट फॉर यू सो नाव वी गॉन फ्रॉम वन जेनेरिक आर्गूमेंट टू मल्टीपल जेनेरिक आर्गूमेंट्स दो पे भी नहीं रुकना तीन चार पाँच जो भी आपको चाहिए उस तरह के आप टेम्पलेट फंक्शन लिख सकते हैं Are we limited here? Not yet. We are not limited to using only one generic data type. You can still use more than one generic data type. How do we do that? We do that by using the template line and extending it. So we say something like template then, in the angle brackets we write, class T, comma, class U. Again, I will reiterate T or U common usage. यू कोड राइट क्लास ए कॉमा क्लास बी जहाँ पे नॉर्मली हम ए और बी को कैपिटलाइज कर देते हैं ताकि वो नजर आ जाए कि ये वो टेम्पलेट या जेनेरिक डेटा टाइप है सो नाउ यू कैन यूज़ टू डिफरेंट जेनेरिक डेटा टाइप्स एंड राइट अ टेम्पलेट फंक्शन स्वॉप नॉर्मली दो आइडेंटिकल चीज़ों को किया जाता है बट यू कोड डू इंट्स एंड डबल्स उनकी सॉपिंग ना करें उनकी मल्टीप्लीकेशन कर लें जो भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है सो यू कैन स्टार्ट मिकसिंग डेटा टाइप्स लेटेस्ट लुक एट अटन और अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं लार्जर फंक्शन का कि हम एक फंक्शन लिखना चाहते हैं जो बताए हमें कि जी दोस्त को आर्गमेंट्स हमने पेश किए हैं कौन सा वाला बड़ा है सो वी से इन अ टेम्पलेटाइज वर्जन वी से टेम्पलेट क्लास टी इट रिटर्न द लार्जर नंबर सो द रिटर्न टाइप इज ऑल्सो टी सो वी सी टी लार्जर टी एक्स कौमा टी वाई Within the function, you start comparing the things very simply, saying, or rather, since we want to return the larger value, let us declare a variable inside the function also of type t. So, we say t big, and then we say, if x is greater than y, big is equal to x, else, big is equal to y, return big. तो लार्जर विल रिटर्न द बिगर ऑफ द टू वैल्यूज़ इनफैक्ट अगर आप याद रखें मेरी बात वो डिटेल वाली बात जो भी मैंने कही है आपको डेफिनेशन बताई है ये एग्जैक्टली exactly करेक्ट नहीं है बिकॉज एक्स ग्रेटर देन वाई हमने ट्रीट कर लिया और बाकी चीज़ें एल्स में ले गए हैं तो एक्स इक्वल टू वाई एक्चुअली एल्स में चली जाती है बात लेकिन आंसर इज ऑल राइट इट इज स्टिल द बिगर ऑफ द टू वैल्यूज और बोथ वैल्यूज आर इक्वल इन एनी केस नाव वी हैव अ जेनेरिक फंक्शन ओके इट हैज़ वन जेनेरिक डेटा टाइप कॉल्ड टी अब इसका इस्तेमाल ज़रा देखते हैं हम मेन फंक्शन लिखते हैं उसमें हम कहते हैं इंट आई इक्वल टू फाइव जे इक्वल टू सेवन दूसरी लाइन पर हम लिख देते हैं डबल एक्स इक्ल टू टेन पॉइंट ज़ीरो वाई इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट ज़ीरो फिर हम कर लेते हैं सी आउट सीधा डिस्प्ले कर देते हैं सी आउट लेस दैन लेस दैन लार्जर आईकॉमा जे सो एज सुन एज वी राइट लार्जर आई कामा जे द कंपाइलर इज गोइंग टू लुक एट द टेम्पलेट एंड से लुक आई एंड जे आर इंटिजर्स तो इस लार्जर फंक्शन की हमें एक इंटर वर्जन चाहिए और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया टी जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर इंट सब्सिट्यूट हो जाएगा एक वर्जन जनरेट हो जाएगा कम्पाइल हो जाएगा कंपाइलर लुक्स एट द नेक्स्ट लाइन विच से समथिंग लाइक सी आउट लेस दैन लेस दैन लार्जर एक्स कॉमा वाई and it determines that x and y are both doubles. If they are doubles, we need a double version of this templatized function. So, a double version generate ho ga, wo bhi compile ho jaya Now, the program will run and you will be able to see keji, a integer wala version you have wo chal gaya hai, aur integer output de di hai, ke, larger integer is flana, ya double wala function you have wo chala hai, aur double ki value aagai hai. लुक एट दर्ड लाइन आउट इन द कोड इट सी आउट लेस लेस देन लार्जर आई कॉमा वाई द प्रॉब अगर आप इसको अनकॉमेंट करेंगे यह कंपाइल नहीं होगा क्यों नहीं कंपाइल होगा आई थिंक द आंसर इज ऑब्वियस वी हैव ओनली डिफाइंड वन जेनेरिक क्लास टाइप इन द टेम्परेटाइज फंक्शन उसमें क्लास टी हमने दी है यहां पे हम उसको सडनली कॉल करने लग पड़े हैं विद एन इंट एंड एंडल द कंपाइलर डजेंट नो वॉट टू डू विद इट या तो वो इसको डबल का टेम्पलेट इस्तेमाल करे और इंट को प्रोमोट करें इंटू अ डबल एंड देन कॉल द डबल वर्जन और या वो डबल को डिमोट करें इंटू एन इंट वेन वी कॉल इट एंड देन यूज द इंट वर्जन ऑफ द फंक्शन बट द कंपाइलर सेज कि जी आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस डिसीजन सो इट्स एन एरर ईदर यू गिव मी अ फंक्शन that knows how to handle two different data types or you correct this line so that it uses only one data type so you have to look at the slight nuances johanna your fine points the template is a nice way of doing things but don't misuse them typically compiler will not allow you to misuse them trap so then you think about it and you look at the function you inside oh okay i am making a wrong use of this template iski template ka is इस तरह से होता है एक ही किस्म के दोनों डेटा इसको पास करनी है एटलीस्ट फॉर दिस लार्जर फंक्शन अस नाउ अगेन यूज आर एग्जिस्टिंग नॉलेज बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड गो ऑन टू वन नेक्स्ट लेवल हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी और फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर एक टेक्निक ये थी कि जी अगर एक ही फंक्शन का नाम हो लेकिन उसकी आर्गूमेंट लिस्ट जो है वो डिफरेंट हो डिफरेंट हो इधर in the type of arguments, data type different ho ya number of arguments passed to that function are different then you can use the same name yaad rahe return type you have function ki is not a differentiator okay please remember that when you're overloading functions now if the number or type of the arguments is different you can use a function with the same name write two separate versions and automatically the correct version will be called वी कैन डू द सेम विद टेम्पलेट फंक्शंस सो यू कैन नाउ यूज़ टू डिफरेंट टेम्पलेट्स विद द सेम नेम एज लॉन्ग एज देव अ डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ आर्गमेंट्स एंड दे विल वर्क सिंपल एग्जाम्पल कि जी वो सॉप हमने फंक्शन लिखा था उसकी जगह पर हम उसका नाम रख देते हैं इनवर्स और इन्वर्स जो है वह सॉप भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकते हैं जो हम दो फंक्शंस बात करते आए हैं जब हम अपने इन्वर्स फंक्शन को दो चीज़ें एक ही डेटा टाइप की पास करेंगे वो उनको इन्वर्ट या स्वॉप करके हमें वापस दे देगा जब हम इन्वर्स फंक्शन को एक चीज़ पास करेंगे तो उसका नेगेटिव वो हमें वापस दे देगा सो वी राइट टू डिफरेंट टेम्पलेट्स द फर्स्ट वन फॉर द इन्वर्स फंक्शन इज़ टेम्पलेट क्लास टी और फिर बेशक वॉर्ड रख लें बेशक टी रख लें डेटा टाइप बट वॉय इनवर्स टी एक्स कॉमा टी वाई बल्कि क्योंकि हम स्वॉप करना चाह रहे हैं तो रेफरेंस देना पड़ेगा सो इट इज़ मोर लाइक टी एंड एक्स कॉमा टी एंड वाई एक्स एंड वाई आर रेफ्रेंसेज टू अ डेटा टाइप टी और फिर अंदर टी टेम्प टेम्प इक्वल्स एक्स एक्स इक्वल्स वाई वाई इक्वल्स टेम्प एंड दैट सेट ये हमारा स्वापिंग फंक्शन जो है इन्वर्स के नाम से लिखा गया इसको दो आर्गूमेंट्स हम दे रहे हैं दूसरी टेम्पलेट हम लिखते हैं टेम्पलेट क्लास टी इन्वर्स टी इनवर्स टी एक्स अब इसको एक आर्गूमेंट दिया जा रहा है और फिर उसके अंदर है रिटर्न माइनस एक्स सिंपल सो तो अब रिटर्न टाइप भी है वो टी है लेकिन व्हाट आई अर्लियर एंड दैट्स अ रूल ओवरलोडेड फंक्शंस आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन टाइप्स इट हैज बी द आर्गोमेंट लिस्ट विच इज डिफरेंट तो so, यहाँ पे हमने सॉप के लिए कह दिया रिटर्न कुछ नहीं करता वॉइड है और जो सिंगल आर्गमेंट वाले टेम्पलेट है वो रिटर्न एक टी डेटा टाइप कर रहा है ये हमारी टेम्पलेट्स बन गई अब आप प्रोग्राम जब लिखते हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए अगर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे इन्वर्स के नाम के साथ कि इन्वर्स फंक्शन है और आगे आप दो पैरामीटर्स दे देते हैं जो है इंट आई कॉमा जे एंड यू से समथिंग लाइक इनवर्स आई कॉमा जे तो दो आर्गमेंट्स वाला टेम्पलेट जो है उसका एक वर्जन जनरेट होगा जो इनको स्वॉप करेगा आपस में और अगर आप लिख देते हैं इनवर्स आई तो जो सिंगल पैरामीटर वाला फंक्शन था उसका इंटीजर वर्जन जनरेट होगा और वो आई की नेगेटिव वैल्यू वापस करेगा नाउ वी हैव ओवरलोडेड अ टेम्पलेट नाउ अगेन वही जो ओवरलोडिंग की जस्टिफिकेशन थी कि जी कोड पढ़ा जाता है कोड समझ आ जाता है इट मेक्स थिंग्स मोर यूनिफॉर्म वही आर्गूमेंट यहाँ पर अप्लाई हो सकती है लेकिन नॉट इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन आई थिंक कि अगर मैं अगर सॉपिंग के लिए फंक्शन लिख रहा हूँ तो मैं उसको नाम ही स्वॉप दूंगा और अगर मैंने कोई नंबर को इन्वर्ट करना है बल्कि उसका रिवर्स लेना है या नेगेटिव लेना है तो मैं ज़्यादा अच्छा कोई नाम चूज़ करूँगा फॉर एग्जाम्पल आई मे यूज़ नेगेटिव एज द नेम वाई बिकॉज इन्वर्ट जो है सम हाउ इम्प्लाइज वन ओवर एक्स नेगेटिव रियली एम्प्लाइज नेगेटिव सो आई वुड यूज दैट सो आई वुड नॉट यूज़ ओवर लोडिड टेम्पलेट्स बट दे वुड बी अदर प्लेस वे यू माइट वॉन्ट टू ओवर लोड टेम्पलेट्स एंड वहाँ पर ये टेक्निक जो है वो काम आती है और इसके अंदर जो ख्याल रखने वाली बात है वही ओवरलोडिंग रूल्स टेम्पलेट्स को भी अप्लाई करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओवरलोड टेम्पलेट्स द नंबर एंड और टाइप ऑफ द आर्गमेंट्स मस्ट भी डिफरेंट टेम्पलेट फंक्शनस के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम फोर्स करना चाहते हैं कि जी कौन सा वर्जन फंक्शन का इस्तेमाल हो आई गिव यू सिंपल एग्जांपल कि जी हमने एक यही रिवर्स फंक्शन जो था हमारा ये लिखा हुआ है और उसको कॉल कर लिया है डबल के लिए सो वी टेम्पलेट वुड हैव बीन जनरेटेड फॉर अ डबल और उसका नेगेटिव वैल्यू रिटर्न हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर लेकिन सपोज वी वॉन्ट टू पास इट अ डबल बट रिटर्न एन इंटिजर वी वॉन्ट टू रिटर्न अ नेगेटिव इंटिजर दैट इज पार्ट ऑफ द डबल वेरिएबल दैट वॉज पास टू दिस फंक्शन उसको हम फोर्स कर सकते हैं कंपाइलर को कि जनाब एक इंटिजर वर्जन भी इसका जनरेट कर दो हालांकि इंट हम कहीं उसको पास नहीं करने लगे उसका तरीका यह है कि जब फंक्शन कॉल आती है प्रोग्राम के अंदर जब हम फंक्शन लिखते हैं कि इसको कॉल करो रिवर्स का फंक्शन कॉल करो हम फंक्शन के नाम और उसकी आर्गूमेंट लिस्ट के दरमियान एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप लिख देते हैं सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टेम्पलेट वर्जन uh, है इसका रिवर्स फंक्शन का विच रिटर्न्स माइनस एक्स प्रोग्राम के अंदर हमारे पास है डबल ए और ए इज इक्वल टू टेन पॉइंट सेवन फाइव और वट एवर वैल्यू वॉन्ट टू गिव इट हम लिखते हैं रिवर्स ए एज सुन एज द कंपाइलर रीड्स दिस लाइन उसने एक डबल वर्जन जो है ऑफ़ द टेम्पलेट वो तो जनरेट कर लिया लेकिन आगे जाके मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स का ए ही पास हो लेकिन ये रिटर्न मुझे इंटीजर करे अब उसकी डेफिनेशन देखें इट वॉज टी रिवर्स टी एक्स सो आई वॉन्ट टी टू बी रिप्लेस बाई एन इंट बट आई वॉन्ट टू पास इट अ डब व्हाट वी डू इज वी से विद इन द मेन कोड वी से रिवर्स एंगल ब्रैकेट्स में इंट और फिर एज एन आर्गूमेंट वी पास इट ए विच इज़ द डब What this does is writing the int in angle brackets forces the compiler to also generate an integer version of the same function. Once that is done, that means you can now actually uh, force uh, a usage. Okay. I mean think about it, why would we want to do that? But there will be instances where this technique would be useful. Let us go on a little and look at two different arguments. एंड यू विल डिस्कवर कि जनाब ये फोर्सिंग कई दफ़ा काम आ जाती है सपोज वी हैव अ टेम्पलेट जो कि आप दो जेनेरिक डेटा टाइप्स पे डिपेंड कर रही है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्पलेट लाइन विल बी टेम्पलेट क्लास टी कॉमा क्लास यू अगेन याद रहे टी और यू हमने नाम दिए हैं उसके बाद मैं करता हूँ कि जनाब इसकी रिटर्न टाइप विल भी टी और इसका आर्गूमेंट जो पास हो रहा है दैट इज ऑफ टाइप यू So, T and U are both being used in the function declaration. So, let's again say reverse. So, we say T reverse U X. Which means the return type is of type T and the argument is of type U. And then inside that we return X. So, automatically we are asking it to do a conversion. Now, this function template is two generic types. Used. द रिटर्न टाइप कांट रियली फोर्स एनी थिंग ओवरलोडिंग वाली कॉन्सेप्ट है कि जी रिटर्न टाइप से आप कुछ फोर्स नहीं कर सकते वो तो बाद में असाइनमेंट में इस्तेमाल होती है लेकिन अब अगर हम विद इन द प्रोग्राम वी हैव समिंग लाइक डबल ए और हम कहते हैं रिवर्स ए कौन सा वर्जन जनरेट होगा टी क्या है यू क्या है ना वी कैन स्टार्ट फोर्सिंग इट सब से रिवर्स विद इन एंगल ब्रैकेट वी से इंट And we say a. In that case, what will do is it will force t to become an int, and it will force u to become of the type a, which means a double. So it will take a double, uska negative number generate karke, it will convert it to an integer and pass it back. You can explicitly specify reverse int comma double will be angle brackets ke So we say reverse angle brackets int, comma double. दोनों टी और यू आपने स्पेसिफाई कर दिए ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कंपाइलर को सो दैट व्हेन द कंपाइलर जनरेट्स द कोड इट जनरेट्स इट फॉर दीज वर्जन और फिर उसको ए पास कर दिया ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी डिफॉल्ट आर्गमेंट्स की बात की यू कॉन्ट जस्ट फोर्स द सेकेंड पार्ट यानी टी के टी को मिस कर दें और यू को फोर्स कर लें वो नहीं हो सकता इट हैज़ टू गो लेफ्ट टू राइट बट यू कैन गो रिवर्स डबल कॉमा डबल यू कैन गो रिवर्स डबल कॉमा इंट

हमने टेम्पलेट फंक्शंस बना लिए और हमें पता है कि क्लासेस के अंदर मेंबर फंक्शंस होते हैं कैन वी यूज़ दिज टेम्पलेट्स विद मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास आंसर इज़ येस यू कैन टेम्पलेटाइज द मेंबर फंक्शंस आल्सो पर उसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है ख्याल ये रखना पड़ता है कि जो भी टेम्पलेट फंक्शन जो ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करे वो फिर क्लास के पब्लिक इंटरफेस में ऑपरेशन मौजूद होना चाहिए ताकि कोई एरर ना आए सिंपल एक एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं ये आपको कोड भी मिला हुआ है सपोज हमने एक क्लास क्रिएट की है कॉल्ड फ़ोन कॉल और फोन कॉल क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर्स रख दिए हैं जो कहते हैं कि जी एक तो उसकी लेंथ है कितनी लंबी कॉल की सो इट कैन बी एन इंट और इट बी अ डबल नॉर्मली अ डबल वुड डू सो डबल लेंथ ऑफ कॉल और साथ उसका हमने एक कोड रख दिया बिलिंग कोड जैसे बिल कोड विच इज़ अ कैरेक्टर और बिल कोड बताएगा कि जनाब ये कॉल इंटरनेशनल थी लोकल थी डोमेस्टिक थी किस किस्म की कॉल थी और थोड़ा सा आगे सोचते हुए हम कहते हैं कि यार मुझे जब फ़ोन का बिल आता है हम देखते हैं बिल को और कहते हैं यार ये कॉल गलत है ये बिल नहीं होनी चाहिए थी वॉट डू वी डू वी पिक अप द फ़ोन एंड कॉल द फ़ोन कंपनी और वी नॉर्मली गो टू द फ़ोन ऑफिस एंड से कि जी हमारा बिल गलत है इसको ठीक कर दें तो वो ठीक कैसे करते हैं सोचें कोई लफ्स आज के लेक्चर में हमने इस्तेमाल किया है वो वहाँ पर वही कर रहे होते हैं कहते हैं अच्छा जी ये नहीं है कॉल अपना रिकॉर्ड देखा हाँ जी ये तो तीन सेकंड की कॉल थी दैट मींस कि आपकी बात हुई नहीं है और हमने आपको बिल किया व तीन मिनट के लिए तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं सो अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड रिवर्स बिकॉज वी डिस्कस द रिवर्स फंक्शन और रिवर्स में हम कर क्या रहे थे अभी तक हम माइनस एक्स कर रहे थे नाव वी सेट इन द टेम्पलेट वर्जन ऑफ द रिवर्स फंक्शन वट एवर वी पास इट उसको माइनस एक्स करके वो वापस कर देगा यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं फोन कॉल को रिवर्स करना चाह रहे हैं सपोज हम डिफाइन कर देते हैं कि जी बिल कोड इक्वल टू सी जब होगा दैट मीन्स द कॉल हैज़ बीन रिवर्स्ड कैंसोड ओके सो कैन वी नाउ यूज़ दिस कॉन्सेप्ट एंड डिफाइन अ रिवर्स फंक्शन विच विल वर्क फॉर दिस क्लास द फंक्शन टेम्पलेट वही रहती है अगर हम उस टेम्पलेट को रिविज़िट करते हैं ज़रा देखिए हमने कैसे लिखा था हमने कहा था टेम्पलेट क्लास टी टी रिवर्स टी एक्स टी इज़ द डेटा टाइप एक्स इज़ द वेरिएबल और अंदर हमने कहा था रिटर्न माइनस एक्स अगर ये हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिवर्स को हम टी की जगह पे एज एन इंट या डबल या फ्लोट की बजाय ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं ऑफ टाइप फोन कॉल और अगर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे हाउ विल दैट वर्क सो पहले तो आप कंसेपचुअली ये देखें या कागज़ पे करके देखें कि जी टी की जगह पे ना फोन कॉल लिखते हैं फिर क्या होता है नाउ इट्स सेज फोन कॉल रिवर्स फोन कॉल एक्स एंड देन इट्स इज रिटर्न माइनस एक्स सो डलरेशन लाइन तो ठीक हो गई कहती है इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फोन कॉल

यहाँ पे हम माइनस एक्स लिखना चाह रहे हैं तो हमें चाहिए कि जी एक ऑपरेटर माइनस जो है वो फ़ोन कॉल क्लास के लिए डिफाइन किया हो याद रहे कि जी ऑपरेटर माइनस तो हम डिफाइन कर सकते हैं वी नो हाउ टू डिफ़ाइन ऑपरेटर्स फॉर क्लासेस लेकिन इन दिस केस फ़ोन कॉल के लिए जो ऑपरेटर माइनस होगा वो क्या करेगा वो उसका बिल कोड बदल के एक ऑब्जेक्ट वापस कर देगा ऑफ टाइप फोन कॉल और बिल कोड को वो सी कर देगा कैंसल सो so, लेटस टेक अ लुक एट द कोड इट एंड सी हाउ वी डू दिस फोन कॉल की क्लास के अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं माइनस का और माइनस ऑपरेटर के अंदर जाएं तो देखें थोड़ा सा स्पिरिट रखना चाहिए ऑपरेटर्स का हमने पहले भी बात की वेन एवर वी आर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स वी कैन नॉट चेंज देयर बाइनरी और यूनरी नेचर माइनस इज लकी क्योंकि वह दोनों में काम करता है बाइनरी भी है यूनरी भी है सो so, हम माइनस एक्स कर सकते हैं माइनस के अंदर क्या करना चाहेंगे रिमेंबर के ऑपरेटर वेन वी आर डिफाइनिंग एन ओवर लोडेड ऑपरेटर इज नथिंग बट अ फंक्शन सो वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट इन द फंक्शन हेयर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहाँ पर हम एक्चुअली किसी चीज़ का नेगेटिव नहीं ले रहे लेकिन उसका कुछ मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं यदि रिवर्सिंग अ फ़ोन कॉल सो इफ यू लुक एट द कोड वट वी से इज़ वी डिफाइन अ टेम्प्ररी वेरिएबल ऑफ टाइप फोन कॉल वी से फोन कॉल टेम्प और टेम्प को हम इनिशलाइज कर लें अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर है विद द वेरिएबल दैट वाज कॉलिंग इट यानी एक्स जहाँ पे आएगा उससे हम इसको इनिशलाइज़ कर लेते हैं द मीन टाइम इसे टेम्प के अंदर हमने लेंथ ऑफ कॉल भी प्लेस कर ली और बिल कोड भी लिख लिया लेकिन हम अब टेम्प का बिल कोड बदलना चाह रहे हैं वॉट वी डू इज दैट इन द माइनस फंक्शन और द माइनस ऑपरेटर फंक्शन ऑफ द क्लास हम कह देते हैं

से टी रिवर्स टी एक्स ये वाली लाइन इम्प्लीमेंट हो जाएगी अगर माइनस ऑपरेटर क्लास का जो है वो भी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फोन कॉल रिटर्न करे एंड इट ऑल्सो एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फोन कॉल सिंस इट्स अम्बर ऑपरेटर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फोन कॉल तो उसको मिल रही है ऑल वी डन विदर्न टेम्प स्टेटमेंट इज वी रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फोन कॉल अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ मेन प्रोग्राम में हम कहते हैं फ़ोन कॉल ए और ए के अंदर आप बेशक लेंथ ऑफ कॉल और बिल कोड बी करके उसको इनिशलाइज़ कर दें कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है उसके थ्रू हमने इनिशलाइज़ कर दिया अब आप बेशक ए डॉट डिस्प्ले कर लें हमने एक डिस्प्ले फंक्शन भी लिखा हुआ है वो कहता है लेंथ ऑफ कॉल इतने मिनट बिल कोड बी और वॉट आई फॉर इंटरनेशनल जो भी इसमें वैल्यू हो उसके बाद हम कहते हैं रिवर्स ए अब रिवर्स ए जो है इट इज़ देखिए अगेन इन द स्पिरिट ऑफ प्रोग्रामिंग यू हैव टू थिंक कि रिवर्स शुड नॉट बी चेंजिंग ए बट वी से इट इज़ रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ए और टाइप फोन कॉल सो वॉट वी से इज ए इज़ इक्वल टू रिवर्स ए सो जो भी उसको ऑब्जेक्ट पास किया उसको उसने रिवर्स किया और वापस एक ऑब्जेक्ट दिया उसको हमने असाइन कर दिया वापस फ़ोन कॉल ऑब्जेक्ट ए के अंदर और रिवर्स फंक्शन जो है वो हमारा टेम्पलेट वाला कॉल होगा यानी टेम्पलेट विल बी जनरेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट और अ क्लास टाइप फोन कॉल वो अंदर से माइनस एक्स जब करेगा वो क्लास का मेम्बर ऑपरेटर माइनस कॉल हो जाएगा वो जो भी उसको ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका बिल कोड बदल देगा सो जो भी बिल कोड था उसको सी करके उसने वापस कर दिया हमने लिखा ए इज़ इक्वल टू रिवर्स ए तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ विद द बिल कोड सी वह अब ए के अंदर असाइन हो गया अब फिर ए डॉट डिस्प्ले करें तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ोन कॉल जो थी जिसकी ड्यूरेशन इतनी थी उसका बिल कोड सी हो गया है सो रिवर्स वर्कस जस्ट रिकैप वॉट वी डिड विद दिस होल ऑपरेशन हमने एक टेम्पलेट फंक्शन रिवर्स डिफ़ाइन किया और वो वही रिवर्स है जो इस लेक्चर के दौरान हम इस्तेमाल करते आए हैं कि जी टेम्पलेट के अंदर वो रिटर्न करता है माइनस एक्स जो भी एक्स उसको पास किया जाए उसके बाद हमने एक क्लास लिखी हमारी फ़ोन कॉल क्लास और उसके अंदर हमने उसका ऑपरेटर माइनस डिफाइन कर दिया कि जब भी फ़ोन कॉल को माइनस किया जाए तो ये एक्शन लेना एक्शन हमने डिफाइन कर दिया दिस इज नाउ बेस्ड ऑन द डोमेन इन विच वी आर वर्किंग सो वी वर्किंग इन द फ़ोन कॉल डोमेन सो वी से वन वी रिवर्स अ फोन कॉल उसका बिल कोड हम सी कर देंगे तो माइनस ऑपरेटर जो है वो उसका रिटर्न या बिल कोड सी करके एक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फोन कॉल रिटर्न करता है यहाँ तक ये यह दोनों इंडिपेंडेंट एक्सरसाइजेस थी फोन कॉल जो लिखी हुई है क्लास हमारी उसको रिवर्स का कुछ नहीं पता उसने तो अपना ऑपरेटर माइनस डिफाइन किया है ऑन द अदर हैंड द टेम्पलेट फंक्शन रिवर्स हैज़ बिन रिटन एज अ टेम्पलेट इट नोज नथिंग अबाउट द फोन कॉल क्लास इन दोनों चीज़ों को जोड़ क्या चीज रही है हमारा मेन फंक्शन मेन फंक्शन या कोई और उसका सब फंक्शन जो है उसने क्या किया है इट डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फोन कॉल एंड देन कॉल्ड द रिवर्स फंक्शन विद दैट ऑब्जेक्ट

It has to know that a minus operator exists for that class, you know, phone call class. If it is not nahi what will happen? Now, in certain instances, it may be an error. So, the compiler will say, Hey, I do not know how to do minus phone call. On the other hand, it may be a default substitution, ho jai. and the default substitution may not be what you want it to do. सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड लुक एट द इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट फंक्शन विद अ क्लास एंड मेक श्योर कि जो फंक्शन वो जो भी ऑपरेशन करता है वो क्लास के लिए अलहदा से डिफाइंड हों ताकि वो टेम्पलेट फंक्शन के लिए सही तरीके से काम कर सके बट वंस दिस इज़ डन यू रियलाइज दैट लाइफ हैज़ बिकम सिंपलर वही रिवर्स फंक्शन अब इसके लिए काम करता है एंड ना यू कैन एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट एंड से के जी कार को रिवर्स कैसे करना है फ़ोन कॉल को रिवर्स कैसे करना है इंटीजर को रिवर्स कैसे करना है और यू नॉट लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन आई मीन गो फॉर इट। द आइडिया इज़ वी कंबाइनिंग टू वेरी पावरफुल टेक्निक्स वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग खैर फॉर दिस एग्जाम्पल बट नन फंक्शन ओवरलोडिंग तो है ही इस तरफ हमारे पास एक टेम्पलेट मैकेजम आ गया जो कहते हैं जी कोड अब एक दफ़ा लिखना है नॉर्मल ओवरलोडिंग के अंदर फैसिलिटी ये थी कि जी एक ही नाम हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जितनी दफ़ा हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी दफ़ा हम कोड भी लिख रहे थे एंड नॉर्मली द कोड वॉज स्लाइटली डिफरेंट डिस्प्ले फंक्शन फॉर क्लास ए विल बी डिफरेंट फ्राम अ फंक्शन फॉर क्लास बी एंड सो ऑन दैट्स ओवरलोडिंग इन दिस केस वी सेंग अगर कोड आइडेंटिकली लिखना है दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है किसी चीज़ को नेगेटिव करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ इफ इट्स द सेम टाइप ऑफ कोड एंड ओनली द डेटा टाइप चेंजेस देन वी शुड गो एंड डिफाइन अ टेम्पलेट फॉर दैट फंक्शन और टेम्पलेट बार बार इस्तेमाल हो वी स्टार्टेड आउट बाय यूजिंग जस्ट द टेम्पलेट फंक्शन कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज एट योर प्रोग्राम लेवल एंड देन वी वेंट ऑन एंड शोड हाउ अ टेम्पलेट कुड बी यूज विद इन अ क्लास लेकिन उस जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन की कुछ लवाजमत थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि जनाब जो भी ऑपरेशन या टेम्पलेट फंक्शन इम्प्लीमेंट करे वो क्लास के अंदर डिफाइंड होना चाहिए अदरवाइज़ यू विल हैव प्रॉब्लम्स दैट इज़ इट फॉर टुडे वट विल कवर नेक्स्ट टाइम इज़ टेम्पलेट क्लासेस उसको आप ज़रा सा सोचें और देखें कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा जहाँ पे टेम्पलेट फंक्शन हो सकते हैं क्या वहाँ पे टेम्पलेट क्लास नहीं हो सकती So, till next time, the hafiz.